तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जवान ने हल्ला मचा दिया है। एनिमल पोस्टपोन्ड हो गई, ओएमजी 2 भी पोस्टपोन्ड होने की कगार पर है और गदर 2 को रिलीज़ तो होना ही है 11 अगस्त को, वो तो कंफर्म है। लेकिन एक फिल्म जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें अपने बाहुबली प्रभास की सॉलिड कमबैक होने वाली है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सलार मूवी के बारे में। यस दोस्तों, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर बाहुबली 2, प्रभास का वही एरा, वही तूफान दोबारा से देखने को मिलने वाला है सालार में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ मूवी रिलीज होने वाला है कब, आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ट्रेलर कब रिलीज होगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या बवाल कर सकती है सालार, ओवरसीज में इस बार कैसी पकड़ रहने वाली है, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी सालार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। या दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रभास की हो रही है सॉलिड कमबैक। सालार से लोगों की बहुत उम्मीद है क्योंकि प्रभास को पब्लिक ऐसे जबरदस्त कंटेंट में देखना चाहती थी काफी लंबे समय से, जिसमें वो अब सूट भी कर रहे हैं और फिट भी हो रहे हैं और उनपे करता है सूट वही राउडी एंड मासी लुक वाला जो वो सालार से बिल्कुल मैचअप कर रहा है। और बाबा, इसके टीजर ने तो जो आग लगाई थी। हालांकि टीजर में इतना कुछ दिखाया नहीं था, कोई कट्स नहीं दिखाए गए थे, कोई ऐसे बवाल मचा देने वाला सीन्स नहीं थे, बस प्रभास का बैक साइड से दिखाया गया था छोटे से मोमेंट के लिए फाइट कर रहे थे। हालांकि जो भी टीजर में दिखाया गया था वो अमेजिंग था। दोस्तों, हाल फिलहाल की न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि सालार का पहला सॉन्ग रिलीज होने वाला है कुछ ही दिनों में और इसी के साथ इसके कुछ टाइम बाद ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ट्रेलर बनके तैयार हुआ नहीं है, लेकिन न्यूज़ सोर्स से पता लग रहा है कि ट्रेलर पर काम होना शुरू हो चुका है। और प्रशांत नील, आप लोगों को पता ही है कि परफेक्शन के बिना काम नहीं करते। मतलब जब KGF 2 का ट्रेलर आया था लोगों में बवाल मच गया था, इस लेवल के कट्स थे, इस लेवल के मोमेंट, वो भी सिर्फ ट्रेलर में, फाइट एक्शन सिक्वल वगैरह वगैरह, ऑल आर अमेजिंग इन दैट मूवी। किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि इस जवाब लेवल का ट्रेलर निकालेंगे। तो अभी तो ये भी सुना जा रहा है कि KGF 2 बस ट्रेलर ही था, सालार तो उसका भी बाप है। ऐसे धांसू कट्स एंड सीन्स हैं, जनता KGF और इवन जवान तक के प्रीव्यू को भूल जाएगी। देखो, ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था, जब जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ था लोग सालार को अंडर एस्टिमेट करने लगे थे, सालार को ट्रोल करने लगे थे कि कुछ भी इसके सामने नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन सालार की जो औकात है वो सालार का ट्रेलर बताएगा, क्योंकि जब टीजर आया था तो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और ये चीज़ हम सब भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब ट्रेलर आएगा गारंटीड कोई इसका टक्कर नहीं ले पाएगा दूर दूर तक। दोस्तों, ट्रेलर में काम होना शुरू हो चुका है और लगभग 2 से 2.5 हफ्ते में एक बेहतरीन ट्रेलर ये लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि मूवी का हाइप बहुत हाई है। अगर नॉर्मल मूवी होती तो लगभग 3 से 4 दिन या फिर हफ्ते भर में ये ट्रेलर कंप्लीट हो जाता। तो ट्रेलर बहुत धमाकेदार निकालने वाले हैं। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों प्रशांत नील के टारगेट ओवरसीज में कब्जा करने का ज़्यादा है इस बार, खासकर USA में, क्योंकि जब बाहुबली सिक्वल आया था तो USA में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो प्रभास की फैन फॉलोइंग USA में अच्छी पकड़ है, तो उसका पूरा एडवांटेज लेते हुए कब्जा ओवरसीज से ज़्यादा करने की सोची है। लेकिन KGF 2 ने ओवरसीज से बहुत कम कमाई करी थी, सिर्फ 200 करोड़ का कलेक्शन ओवरसीज से ही लिया था, तो इसका ये ड्रॉबैक्स ले रहे हैं और पहले ही तैयारी कर रहे हैं ओवरसीज में अच्छी पकड़ बनाने के लिए, जो कि सालार के ट्रेलर या फिर टीजर किसी भी या फिर पोस्टर से ये लोग पकड़ कर सकते हैं। देखो, USA की ऑडियंस के लिए, बाकी बॉक्स ऑफिस में इंडिया से तो 1000 करोड़ से ऊपर जाने से इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। दोस्तों देखो, टोटल में कितनी कमाई कर सकती है सालार ये तो वक्त बताएगा, मूवी रिलीज होने के बाद पता लग ही जाएगा और पहले दिन ये कितनी कमाई कर सकती है उससे अनुमान हम लगा ही सकते हैं कि ये मूवी कहाँ तक जाएगी। लेकिन हाँ, 1000 करोड़ तो इसका कंफर्म है। अभी आप लोग बताएंगे कि 1000 करोड़ क्रॉस कर भी पाएगी या नहीं। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहला तो ये लोग सालार मूवी के लिए कितना बेसब्र है इंतजार कर रहे हैं, दूसरा ये कि ट्रेलर के लिए आपको कितना इंतजार है, फटाफट मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।